झुंझुनू की पचेरी कला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध पेट्रोल डीजल परिवहन करते हुए पिकअप को जब्त किया, साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान 1530 लीटर डीजल और 20 लीटर पेट्रोल पकड़ा गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों विकास और शेर सिंह की गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। दोनों से अवैध पेट्रोल और डीजल के बारे में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हरियाणा से एक पिकअप ट्रक डीजल भरकर नावता की ढाणी होता हुआ गुढ़ा जा रहा है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सिंघाना नारनोल रोड पर टोल बूथ के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान बिना नंबर का एक पिकअप ट्रक आता दिखा, जिसे मौके पर मौजूद क्यूआरटी टीम ने रुकने के लिए कहा। चेकिंग के दौरान पिकअप में एक ड्रम पेट्रोल और 9 ड्रम में डीजल भरा मिला। पिकअप चालक विकास और एक अन्य व्यक्ति शेर सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पेट्रोल और डीजल हरियाणा के पंप से भरकर लाए हैं। इसके बाद दोनों को थाने लाकर गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। गिरफ्तार किया गया विकास गुड़ागोरजी और शेर सिंह खेतड़ी का रहने वाला है। अवैध डीजल और पेट्रोल बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी के तहत कल एक पिकअप गाड़ी जिसमें 9 ड्रम 1530 लीटर डीजल और 20 लीटर पेट्रोल को जब्त किया गया है। उक्त गाड़ी थाने के पीछे से जो कच्चा रास्ता है उनके द्वारा गुड्डा बोर्ड जी की तरफ छोटी कचेरी होते हुए जा रही थी, जिसको श्रीमान शिव साहब वर्तवाना द्वारा जब्त किया गया है। इसमें 1530 लीटर डीजल है और 20 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया।